गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें इन 6 क्वेश्चंस के पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और वो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह के का है वो निकालना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखो दो तरह के होते हैं, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो होते हैं जो रुक जाते हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे दिमाग में आना तो एक वर्ड आ जाना चाहिए, रुक जाते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है चलते रहते हैं लेकिन रिपीट होके चलते हैं। जैसे कि अभी टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 0.32 रुक गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.9, एक और ले लेते हैं 2.24। अब ऐसे ये रुक जाते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रुकते नहीं हैं लेकिन रिपीट करते हैं। कोई 2, 3, 4, 5, 1, 2 कितनी भी डिजिट्स होती है वो रिपीट कर देते हैं। जैसे कि 2.24, 2.24, 2.24, 0.33333333 ... तो ये रुकते नहीं है और ये रुक जाते हैं। ये रुकते नहीं है लेकिन रिपीट होते हैं, ये रुक जाते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा किस तरीके का है। तो शुरुआत करते हैं 36/100 से। तो 36/100, तो यहाँ पे 36/100 नीचे देखो दो जीरोज है, तो अभी के लिए पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब ये पॉइंट दो पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.36 रुक जाता है, यानी कि टर्मिनेटिंग। 0.36 होगा टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11, ये 1/11 करना है, करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 11, जीरो लग गया, एक और जीरो आ गया, पॉइंट लग गया, जीरो आ गया, एक और जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे 11, 9 जा 99, एक जीरो, जीरो उतरा, एक और जीरो, तो फिर एक जीरो यहाँ पे और लगेगा। फिर अगेन 11, 9 जा 99, फिर वापस से कितनी देर तक करेंगे, रिपीट होता जा रहा है। देखो जीरो से स्टार्ट किया, दोबारा जीरो आ गया, यानी कि अब ये रिपीट करेगा, ये 09 09 09 09 रिपीट करेगा। तो इसका क्या आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ है 0.09 बार। बार का मतलब होता है जो नंबर्स के ऊपर बार होता है वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये क्या है 2, 4, तो 2, 4 के ऊपर बार लिख दिया तो आगे वाली डिजिट दिखाना ही ज़रूरी नहीं है। अब 3 के ऊपर बार लगा दिया तो आगे की डिजिट लिखना ज़रूरी नहीं है। बार का मतलब होता है वो डिजिट रिपीट हो रही है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बट पहले ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन है 4/1/8, तो ये हो जाएगा 33/8। तो 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। चलो निकालते हैं, 33/8, 8, 4 जा 32, 1 पॉइंट लग गया, 0 आ गया, 8, 1 जा 8, 2 लग गया, 0 आ गया, 8, 8, 8, 2 जा 16, 4 आ गया, 0 आ गया, अब 8, 5 जा 40, रुक गया, 4.125। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकला 4.125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकला, 4.125। अब ये जो 4.125 है ये किस तरीके का नंबर है,
ये है टर्मिनेटिंग, रुक गया टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13, ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे करके देख लेते हैं, थोड़ी जगह चाहिए ना, ये थोड़ा बड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी जगह से खाली कर लेते हैं अपन लोग। अब देखते हैं 3/13 करना है, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 13, 0.1 और 0 आ गया। अब 13 टू जा होता है 26, यहाँ पे आएगा 4 बचा, 0 आ गया। फिर 13 3 जा 39, फिर 1 आया 0 आ गया। अब एक और 0 उतरेगा तो 1 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, 100 13 13 7 जा 91, यहाँ पे आएगा 9, फिर अगेन 0 आ गया। फिर 13 6 जा होता है 6 जा 78, 13 6 जा 78, यहाँ पे बचा कितना 12 बच गया। फिर एक और 0 आ गया। अभी तक रिपीट हुई कोई डिजिट? नहीं, अभी तक तो एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुई। तो 39 जा 117, यहाँ पे बचा 3, फिर 0 आ गया। ये देखो 30 से स्टार्ट किया, 30 पे आ गया, यानी कि अब ये डिजिट रिपीट होने वाली है। 13 2 जा क्या होगा 26, 4 बचा 0 आ गया, 13 3 जा कितना 39, 1 बचा फिर 0 आ जाता है, ऐसे होगा। तो अब ये इतना हो के रिपीट होने लग गया 0.230769, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकलेगा 0.23769 के ऊपर बार, है ना, 230769। ओके, तो ये किस तरह का नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अगला क्वेश्चन है 2/11, ये करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 11, 0 लग गया, एक और 0 आ गया, 0.111, यहाँ पे आएगा 9, 0 आ गया, 8 जा होता है 88, यहाँ पे आएगा 2, 0 आ गया, 11, 1 जा होता है 11, और ये दोबारा से कुछ कड़ो रही, हाँ 9, हाँ तो अब ये रिपीट हो गया। 20 से स्टार्ट किया था, 20 पर आ गया, इसके बाद में 1818 करके रिपीट होता रहेगा। तो यानी कि क्या हुआ, यानी कि ये जो नंबर है ये है 0.18 के ऊपर बार, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का नंबर। समझ में अभी तक के ये 5 क्वेश्चन? अब ये 6 वाला, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे तो जगह खाली करनी पड़ेगी। अब करते हैं यहाँ पे जगह खाली, ठीक है। तो अब ये है, देखो ऊपर तो रहेगा 329, अब नीचे के 400 को मैं 4 × 100 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसमें इजी क्या हुआ कि हम लोग पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका डेसिमल चेंज वेंज कर देंगे, उससे क्या होगा नीचे की तो 100 तो ऐसे ही चला जाएगा। तो अब पहले 329 को डिवाइड कर देते हैं, 329 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 8 जा होता है 32, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 9, 4 2 जा होता है 8, यहाँ पे 1 0, 4 2 जा अगेन 8, यहाँ पे 2 0, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये है 82.25, लेकिन अभी भी ये जो 82.25 है इसको डिवाइड करना है 100 से, क्या दिक्कत है, इसको दो कदम पीछे भेज देंगे तो ये आएगा 0.8225, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल गया 225, ये है टर्मिनेटिंग क्योंकि ये रुक गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। हिंट की जरूरत नहीं, हमें तो पता है बहुत ईजी है,
चलो करते हैं। तो देखो इसने क्या बता रहा है कि आपको पता है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंसर होता है 0.142857। भाई मेरे को तो नहीं पता था, आपको पता था तो कमेंट में बता देना कि होता है 1/7। हमें इन्होंने बता दिया तो कर लेते हैं 1/42857 के ऊपर बार। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, सबको फाइंड करना है। करते हैं एक एक करके। सबसे पहले 2/7 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 2 × 1/7 की जगह मैं ये डिजिट भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ये डिजिट। तो इस डिजिट को लिख देते हैं 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/42857, 1/42857, 1/42857 ठीक है, इंटू 2, 7 × 2 जो होता है 14, 1 कैरी, 5 × 2 = 10, 11 का 1 कैरी, 8 × 2 = 16, 17 का 7 1 कैरी, 2 × 2 = 4, 5 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 2। तो ये हो जाएगा 0.285714। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.285714 के ऊपर बार। ठीक है, अब बारी है 3/7 को करते हैं। 3/7, 3 × 1/7, 3 × 0.142857 करते हैं इधर। 0.142857 × 3, 7 × 3 = 21 का 1 2 के, 5 × 3 = 15 16 × 17 का 7 1 कैरी, 8 × 3 = 24 आई थिंक, 8 × 16 = 24, हाँ 20 का यहाँ पे आ जाएगा, 25 का 5 2 कैरी, और फिर 3 × 2 = 6 7 8, 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 12 = 2 1 कैरी, 3 × 3 = 4 आएगा 4। तो 4 × 2 = 8571 सही है क्या? 7 × 3 = 21 का 1 2 कैरी, 5 × 3 = 15 16 × 17 का 7 1 कैरी, 8 × 3 = 24 25 का 5 2 कैरी, 3 × 2 = 6 7 8, हाँ सही है सही है। ये तो इसका हो जाएगा 0.42, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं, 0.428571 के ऊपर बार। अब ये 3/7 का भी निकल गया, अब कितना 4/7 का भी निकालते हैं। 4/7 का यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, वैसे तो झुकना पड़ेगा क्योंकि तो 3/7 का भी हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं 4/7 का। 4/7 कहाँ करें, यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे तो रफ वर्क है, यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं पर थोड़ा झुकना पड़ेगा, लेकिन मैं झुकेगा नहीं। सो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, 4/7 को करने की तरफ। तो 4 × 0.142857 के ऊपर बार। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 2 = 8 5 7 × 4 7 4 = 28 का 8 2 कैरी, 5 4 = 20 का 2 2 कैरी, 8 4 = 32 34 का 4 3 कैरी, 4 2 = 8 9 10 11 का 1 1 कैरी, 4 4 = 16 17 का 7 1 कैरी, 4 5 ये हो जाएगा 5 7 1 4 2 8। तो इसका आंसर आएगा 0.571428 ठीक है के ऊपर बार। सो जाए 4 का भी हो चुका है। अब करते हैं 5 × 5/7 का। तो 5 × 0.142857 के ऊपर बार, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 × 5 5 7 5 = 35 का 5 3 कैरी, 5 5 = 25 26 × 28 का 8 2 कैरी, 8 5 = 40 42 का 2 4 कैरी, 5 2 = 10 14 का 4 1 कैरी, 4 5 = 20 21 का 1 2 कैरी,
5 5 6 7 तो ये होगा 714285, जिसका आंसर आएगा 0.714285 के ऊपर बार। ठीक है, फिफ्थ हो चुका है, अब करते हैं सिक्स का। तो 6 × 0.14287 के ऊपर बार, 2857 तो लिखा ही नहीं, बोल के छोड़ दिया। अब 0.142857, मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बट अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को रफ शीट भी सबमिट करानी होती है तो आपको लिखना चाहिए। 0.142857 × यहाँ पे आएगा 6, 7 × 7, 7 × 2 = 40, 7 × 6 = 42 का 2, 4 कैरी, 6 × 5 = 30, 34 का 4, 3 कैरी, 8 × 6 = 48, 4 × 9 = 51, 51 का 1, 5 कैरी, 6 × 2 होता है 12, 13, 14, 15, 16, 17 का 7, 1 कैरी, 6 × 4 होता है कितना 24, 25 का 5, 2 कैरी, 6 × 6, 7, 8, 8 × 5 = 71, 8 × 5 = 71। सही है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। 7 × 6 होता है कितना 42, 2 और 4 कैरी, 6 × 5 होता है 36, 37, 38, 1 सेकेंड, 6 × 5 = 36 कैसे, 6 × 5 = 30 और यहाँ पे होगा 34 का 4, 3 कैरी, 8 × 6 होता है 48, 51 का 1, 5 कैरी, 6 × 2 = 12, 13, 14, 15, 16, 17 का 7, 1 कैरी, 6 × 4 होता है कितना 24, 125 का 5, 2 कैरी, 6 × 6 = 8। सही है, तो इसका आंसर आएगा 0.857142 के ऊपर बार। ठीक है, आई होप आपको ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ को। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू, ये होगा एंड, ये एंड होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होगा ये, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। करते हैं, तो हमें ये जो 0.6 बार, 0.47 के ऊपर बार और 0.001 के ऊपर बार वाली डिजिट्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है, तो करते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब मेरे को क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से का क्या मतलब है कि हमें LHS और RHS दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो करते हैं, यहाँ पे x को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 10x, यहाँ पर डेसिमल एक साइड इस साइड चला जाएगा तो 6.6 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मेरे को अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को निपटाना है, मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बार बार हो जाएंगे कैंसल, आंसर आ जाएगा 6, आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6/9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो इसका 2/3। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यही लाइन ड्रॉ कर ली, अब ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार, 4 के ऊपर नहीं, 7 के ऊपर बार। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डेसिमल के सीधा बाद में ही जो रिपीट होने वाली डिजिट थी वो हो रही थी, लेकिन अब डेसिमल के बाद में एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही, तो हमें क्या करना है कि उस डिजिट को डेसिमल के पहले ले आना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। इस इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई करना है 10 से, इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 4.7 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1।
अब जो इक्वेशन नंबर ए है इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से एकदम और आगे से, जिससे जो रिपीट होने वाली डिजिट है ये भी डेसिमल के पीछे आ जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 47.7 के ऊपर बार। अब फिर से वही इक्वेशन नंबर टू से इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर देना है, ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार 43 होगा ये, और ये हो जाएगा 43/90। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन को भी कर लिया है, अब थर्ड को करते हैं। सो अब ये जो दो पार्ट है इनको हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से करा है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको हम लोग इजी मेथड से कर सकते हैं। जैसे ये जो 0.0001 बार है इसको मैं 1/999 लिख दिया और ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन। कितना सिंपल था, लेकिन करा कैसे ये मैंने, और ये इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, इसमें अप्लाई हो सकता है, मैं गायब हो गया, हाँ तो इसमें अप्लाई हो सकता है ये, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना है, वैसे एग्ज़ाम में तो लॉन्ग डिवीजन ही करना है, लेकिन ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ इजीली कैसे, इजी मेथड कौन सा है करने का। तो देखो तीन नंबर डिजिट रिपीट हो रही है, अब ये तीनों डिजिट का क्या करना है, तीन डिजिट रिपीट हो रही है 3-9 लगा दो नीचे, 3 डिजिट रिपीट 3-9, 2 डिजिट रिपीट 2-9 कहाँ गया, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1-9 लगा दिया। जितनी डिजिट डेसिमल के बाद में रिपीट हो रही है उतने नीचे 9 लगा दो, सिंपल। अरे कितना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, उतना 9 लगा दो। लेकिन इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे, क्यों भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यों नहीं करेंगे, उससे भी कर लेंगे इसको। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। हाँ क्या है, 0.001 के ऊपर बार, तो लेट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर बार, ये हो गई इक्वेशन वन, इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से। अब इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 से नहीं होगा, 1000 से मल्टीप्लाई, 10 से कैसे होगा, 3 नंबर आगे निकालना है ना इसको, 3 नंबर आगे निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर साइड तो हो जाएगा 1000x, यहाँ पे भी 1000 लिख देते हैं 1000x, और इस साइड हो जाएगा 1.001 के ऊपर बार, समझ में आया। अब ये जो 1000x है ये अपनी निकल गई इक्वेशन नंबर कौन सी 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी निकल चुक ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट जो हमारा पेयर बना है ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को काटना है, यानी कि उसको घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x माइनस कितना नॉर्मल x, x इज इक्वल्स टू 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार, बार बार हो गया कैंसल, तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1x इज इक्वल्स टू 999/1 ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्सप्रेस 0.99999 रिपीटिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 0.99999 रिपीटिंग को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.9 बार, ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। अब इस इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई करना है 10 से, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9 के ऊपर आ गया बार, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, बार बार हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू 9/9, ये हो गया कैंसल, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1।
सो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सॉल्व। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।